बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली के साथ हंसता पस्ता रखे, शादोबाद रखे। हमारी दुआ होती आप सब बहन भाइयों के लिए देश परदेश से जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जी आज हम अम्मी जान की तरफ आए हैं, चैनल से अम्मी जान की तरफ मोहम्मद की नानी के घर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी प्यारी अम्मी जान को बुखार है तो अम्मी के लिए दुआ भी करना कि मेरी अम्मी का बुखार उतर जाए, अम्मी को बुखार हुआ हुआ है। तो जी प्यारे बहन भाई अम्मी खाना खा लें, खाना खाने के बाद अम्मी ने दवाई भी लेनी है बुखार की। मैंने कहा अम्मी आप ना पेनाडोल की गोलियां ले लो दो, तो उससे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओगी। तो अब अम्मी गोलियां खाएगी लेकिन खाना खा लें उसके बाद। जी शाम का टाइम है, व्लॉग में आपको पता है कि व्लॉग का नाम क्या होता है, ये सारे काम काज शेयर करना आप सबके साथ। अब जी हम घर के काम काज आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम बना रहे हैं खाना रात का, सिलेंडर लेकर चलते हैं कमरे में, कमरे में ही चलकर हम खाना बनाएंगे। आओ मोहम्मद अंदर चलो। आज दोस्तों हमने ये बर्तन धो के रखे हैं दोपहर के खाने के, तो ये सारे उठा कर ना हम लगाते हैं किचन में बर्तन। बर्तन हमने सारे माशाल्लाह से किचन में लगा दिए हैं, सेटिंग कर दी हमने बर्तन की। और मोहम्मद आप क्या कर रहे हो जानी, तोड़ दोगे इसको, अंदर आ जाओ मोहम्मद। प्यारे दोस्तों अभी मैं यहाँ पर इस कमरे में खाना बनाने लगी हूँ। फातिमा कह रही मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं परेशान होंगी, क्योंकि मोहम्मद ही तो साथ साथ होता है, फिर इसकी कॉपियां किताबें खींचेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर चल के ही बना लेते हैं। जी सही, बाहर बना लेना खाना चलकर। तो चले जी बाहर ही चलकर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर फातिमा पढ़ रही है माशाल्लाह। प्यारे दोस्तों आते वक्त फातिमा अपनी बुक्स वगैरह लेती आई थी, क्योंकि इसने एक तो होमवर्क भी करना था, टेस्ट भी याद करना था, तो इसीलिए साथ लेती आई कि ना मैं वहां पे पढ़ लूंगी कुछ, ऐसे टाइम जाया नहीं होगा। और फिर सुबह माशाल्लाह का टेस्ट है, तो कहती टेस्ट की पूरी तैयारी करके ना स्कूल जाना है माशाल्लाह। तो चलते हैं जी सामान वगैरह लेकर बाहर, दोबारा निकलते हैं। जैसे अंदर लेकर आए सामान वैसे हम बाहर लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाह मोहम्मद साहब आए जानी आ जाए बाहर मम्मा के पास। प्यारे बहन भैया ये देखिए जी हमने मसर की दाल डाली है चावलों के अंदर और अब चल के इनको धोते हैं। मोहम्मद साहब कपड़े छोड़ दो। बिस्मिल्लाह चावल धो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चावल दाल अच्छे से धुल गए हैं। जी शापर के अंदर लगा हुआ है घी, मैंने सोचा शापर को थोड़ा सा गर्म करके ना घी जो है इसके अंदर डाल लेते हैं देगची के अंदर, तो ये जाया नहीं होगा, फिर काम आ जाएगा माशाल्लाह से। ये देखिए जी अम्मी पौधे को सीधा कर रही है, पौधा टूट गया है तो अम्मी उसको बांध रही है ताकि वो दोबारा से जो है ना सीधा हो जाए, उसकी कमर टूट गई है पौधे की। हाँ ये लड़ी टूट गई है। बिस्मिल्लाह
ऊपर से करीब करके आपको दिखाते हैं। मम्मी तो बहुत बड़ी थी, टूट गई। ये देखा, यहाँ से टूटे, चरपाई रखे ना, चरपाई से टूटी है। अब इसको मैं ना बांधूंगी, मम्मी से अच्छे से करके बांध दो ताकि ना नुकसान हो गया। चलो क्या करें जी, हमारा घी जो है तुलसी में चला गया है माशाल्लाह। अब हम डाल लेते हैं प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज भी हमने डाल दी है माशाल्लाह, अच्छे से करके चावल बना रही हैं जी। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मेरे हाथ के जो चावल हैं सब पसंद करते हैं माशाल्लाह। आज देखते हैं कि कैसे बनती है। यकीन करें प्यारे बहन भाई, मम्मी के घर आकर इतना अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहीं पर ही पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, शादी हुई और अपने घर चले गए। अजीब सा अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया हुआ है हर बेटी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है ये सारा सिस्टम भी। मेरे अल्लाह की मर्जी है ये सब, लेकिन यकीन करें वाकई अम्मी के घर आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी बिल्कुल जुड़ जाएगा जी, बड़ा प्यारा गुलाब के फूल देता है, इतने बड़े बड़े। हाँ, इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। मोमसी बहुत गर्म है ये बेटा, इसको हाथ लगाओगे? उसने देखा था कढ़ाई को हाथ लगाया तो हाथ जल गए थे ना आपके, इसी तरह चलो तू जो वही भी हाथ लगा रहा था। नहीं बेटा नहीं, ना सही ना, अब आ जाएगा नहीं नहीं भाई नहीं, मोमस हाँ नहीं, मोमस ही खाना खाएगा, मोमस ही को भूख लगी है। कैसे खाना खाएगा, कैसे खाना खाएगा? अभी मोमस ही ने सिली लैग भी खाया है ना, मोमस ही ने सिली लैग भी खाया है अभी, फिर अभी खाना भी खाएगा मोमस ही। माशाल्लाह जी, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम अब इसमें डाल देते हैं टमाटर, हमने टमाटर मसाला डाल दिए हैं और साथ डाल देते हैं मसाले। मोहम्मद सईद का सुखमला प्याज है, ये है सूरत मिर्च कुटी हुई, नमक जी हम चावलों में चाइनीज नमक भी डालेंगे, उससे जो है ना चावल बहुत ज़बरदस्त करके बनते हैं, मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त जायका बन जाता है चावलों का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हल्दी भी डाल रही, हल्दी भी डाल रही, अच्छा ऐसे ही बिना हल्दी के बना रही है। अमरूद का बीज बोलती है मेरे बेटे को, गंदी बच्ची है, फातिमा कहती है अमरूद का बीज लगता है जी। माशाल्लाह चावल डाल देते हैं, जी 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 मेरा बेटा, जी जी मेरी जान, क्या कहते हो, क्या कहते हो, खोल के दो। प्यारे बहन भैया, हमने चावल लगा दिए दम पर, चावल दम पे रखे हुए, मैं अभी से बैठी गपशप लगा रही हूँ, हम पुरानी बातें कर रहे हैं बैठे, बड़ा मजा आ रहा है। बस बेटा तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। आपने याद कर लिया टेस्ट, सारा होमवर्क भी कर लिया? होमवर्क करने से 3 कप से ज्यादा खाना खा लो, उसके बाद कर लो। ठीक है, बात करनी है जी, वो ना तुम्हारी एक दोस्त थी, वो रिश्तेदार भी मेरे भाई के मसाला था, चने के दाल वाले चावल बनाते हैं, बहुत मजा देते हैं।
सही बात है, अच्छा बचपन में भी जब हम छोटे छोटे होते थे ना चावल बहुत शौक से खाते थे, अब तक हमें चावल बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी भी फातिमा ने फरमाइश की नानी चावल बना लेते हैं, तो अम्मी पहले रोटी का कहती कि रोटी बना देते हैं, फातिमा की फरमाइश पर फिर चावल बन रहे हैं माशाल्लाह। अभी आके पूछ के गई है मम्मा कितना देर है। और बचपन में अपना तहरी कितनी बनाते थे, अच्छी चावल बनाते थे, मोहम्मद सिंह सो गया मोहम्मद सिंह को सुला देते हैं। चावलों को दम लग गया है, देखिए जी अहमद तो चावल खाने बैठ भी गया है, थोड़े से निकाले उसने देखी से, तो चलते हैं अभी हम देखी से चावल निकालते हैं, अम्मी को चावल वगैरह देते हैं। चावल बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपने धनिया तो डाली नहीं, भूल गई, भूल गई। मैंने साफ कर लिया, साफ कर लिया जी, हम तो डाल रहे थाल के अंदर चावल ताकि जल्दी ठंडे भी हो जाएं और सुकून से खाए जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी कह रही है थाल में निकाल कर दो चावल, आप लोग भी आए जी बिस्मिल्लाह पढ़े हमारे साथ चावल वगैरह खाएं। प्यारे बहन भाई बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, जो भी न्यू फ्रेंड भी चैनल पर तशरीफ लेकर आता है चैनल को लाइक शेयर किया करें, हमें सपोर्ट किया करें, अल्लाह पाक आप सब की मदद फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे बहन भाइयों।